हेलो दोस्तों, मैं हरकेश आपके अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम जो मास्टर रीजनिंग की श्रृंखला चल रही है, आज हम उसमें एक जो टॉपिक चल रहा है हमारा, कौन सा? श्रृंखला परीक्षण में। तो आज उसकी हम पार्ट चौथे पार्ट को हम आज करने वाले हैं, जिसके ऑलरेडी तीन पार्ट हमने पहले कर लिए हैं, और जिसमें अगला हमारा टाइप है जो है श्रृंखला के विषम पद ज्ञात करना। एग्ज़ाम में ये बहुत सारे क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं कि श्रृंखला में जो हमारी एक सीरीज है उसमें कौन सा पद गलत है या कौन सा पद इन सबसे अलग है, जो श्रृंखला को हमारी को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। तो देखो, ऐसे ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2, 5, 10, 17, 27। तो इसको देखते हैं क्रमवार सीरीज में कैसे चल रहा है। तो देखो, दो, दो से कितने हुए? 5। तो कितने? 3+। 5 से कितने हुए? 10। तो कितने? 5+। ठीक है, और 5, 10 से कितने हुए? 17। तो 7+। अब 17 से कितने हुए? 10। तो 10+। 17 से कितने हो रहे हैं? 27। तो 10+। और 10 से कितने? 27 से कितने हो रहे हैं? 37। तो 37 कितने प्लस? इसमें भी 10। अब देखो, पहले ये सीरीज देखते हैं। तो देखो, 3+, 5+, 7+, तो कितने आने चाहिए यहाँ? 10 की जगह 9+। तो 17 में 9+ करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 17 और 9, 28। 17 और 9, 26। सॉरी, 17 और 9 कितने? 9+ करेंगे तो हमारे आएंगे 26। तो हमारा 9+ करने के बाद यहाँ 27 की जगह कितने आने चाहिए? 26। तो सीरीज में हमारा कौन सा? 27 नंबर। अब देखो, और देखो, 26 आया, 26 में कितने प्लस करेंगे फिर? 11। अब 11 प्लस करेंगे 26 में तो कितने आएंगे? 37। तो हमारी सीरीज है 3, 5, 7, 9, 11। तो हमारा गलत कौन सा? 27। 27 की जगह कितना आएगा? 26। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है अगला, देखो, 36, 54, 28, 27, 22.5, 13.5 और 4.5। इसको भी देखते हैं कैसे सीरीज में। अब देखो यहाँ से देखते हैं 36 से। अब देखो यहाँ से, यहाँ इसका अंतर देखेंगे तो अलग। पहले देखो, इसको एक सरल वाले तरीके से देखते हैं। अब इसके ये कितने हो रहे हैं? भाग दो, यानी आधे। ठीक है, अब इसके आधे, अब देखो, अब 27 के भी आधे हो रहे हैं तो भाग दो, तो कितने हो गए? यानी 18, 36 के आधे 18 और 54 के आधे 27। ठीक है, आप देखते हैं। अब देखो यहाँ से देखते हैं, 27 के आधे, देखो 27 के आधे 13.5। बताइए, समझ में? 27 के आधे, इसमें भी भाग दो करें तो 13.5 हैं। अब देखो ऐसे ही ऊपर वाली, 36 के आधे 18 और 18 के आधे 9। अब 27, 22.5 की जगह अगर 9 रखें और फिर 9 के आधे कितना करें? 9 के आधे करें तो 4.5। तो क्या है? भाग दो। तो हमारा 36 के आधे 18 है, 18 के आधे 9, तो 22.5 की जगह कितने आने चाहिए हमारे? 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत सही है, राइट आंसर। क्योंकि अगर हम 22.5 को रख रहे हैं तो ये सीरीज को हमारी को बिगाड़ रहा है। इसकी जगह कितने आने चाहिए? 9। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है हमारा 380, 188, 92, 48, 20, 8, 2। अब देखो ऐसे ही देखते हैं, यानी 380 से 188 कैसे आए? 188 से 92, 92 से 48, 48 से कितने? 60, 20 और 20 से 8, 8 से 2। तो देखो यहाँ से ही देखते हैं। अब देखो 380, यानी 380 के अगर आधे करें हम, 380 के अगर आधे करें तो कितने आधे होंगे हमारे? 190। 300 के आधे करें, यानी भाग दो, यानी दो करें और कितने? 380 के आधे 190, और 190 में से 2 घटाएं तो कितने बचेंगे? 188। अब 188 के आधे करें तो हमारे कितने आएंगे? 188 के आधे करें तो आएंगे हमारे 96।
चौरानवे, 188 की 9 94, और 94 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 92। अब 92 के आधे करें हम, 92 के आधे करें तो आएंगे 46। अब 46 में से 2 घटाएंगे तो हमारे आएंगे कितने 44। अब 44 44 देखो देखते हैं 92 यहाँ से देखते हैं 38, इसके आधे इतने, इसके आधे इतने। अब देखो यहीं तो बात बिगड़ रही है, तो देखो 92 के आधे 46, 46 में से 2 घटाएंगे तो कितने 44। तो इस 48 की जगह कितने आने चाहिए 44। अब 44 के आधे 22, अब 22 में से 2 घटाएंगे 20, 44 के आधे 22, अब भाग दो माइनस दो। अब 20, 20 में भाग दो और माइनस दो, भाग दो और माइनस दो, तो 8 के 8 को भाग देंगे तो 4, 2 से तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। तो हमारा 48 क्या है गलत, 48 की जगह कितने आने चाहिए, 48 की जगह आने चाहिए हमारे 44। ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 60, 120, 250, 336, 504। अब देखो इसको देखते हैं, अब 60 कैसे आया, 60 से 120 कैसे आया, 120 से 250, 336, 504। अब देखो यहाँ तो 60 प्लस 60, अब यहाँ कितने 130 प्लस, तो अलग इसमें कितने कम। तो देखो यहाँ से देखते हैं ये क्या है 60, ये 60 है हमारा 4 का। अब इसके आस पड़ोस में क्या है, देखो वर्ग घन देखते हैं, तो इसके पास में है 4 का घन, तो 4 का घन कितना हमारा होगा 64, और 64 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 60। तो हमारा 4 का घन माइनस 4। अब ऐसे ही 5 का घन माइनस 5, 5 का घन कितना, 5 का घन होगा हमारा 125, 125 में से 5 घटाएंगे तो 120। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, अब देखो क्रमवार है 4 का घन माइनस 4, 5 का घन माइनस 5, तो अगला क्या आएगा 6 का घन माइनस 6, तो 6 का घन हमारा 6 छंग 36, 36 छक्के 216, और 216 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 210। तो हम और देखो ऐसे ही आगे देखते हैं, ये क्या है अगला, देखो 4 5 6, तो 7 का घन 7 सत्ते 49, सत्ते 343, अब 343 में से 7 घटाएंगे तो 336। तो हमारा इस 210 की जगह क्या है, 250 की जगह क्या आएगा, 250 की जगह आएगा 210। तो हमारी संख्या ऐसे ही अगला देखते हैं, इसमें ये रह गए तो 504, तो 8 का घन 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 512 में से 8 घटाएंगे तो 504। तो हमारी सीरीज जो चल रही है इसमें कौन सा गलत है 250, 250 की जगह क्या आएगा 210। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ऐसे ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 2 5 10 50 500 5000 में कौन सा पद एक गलत है या विषम है, जो सीरीज को हमारी को क्या कर रहा है बिगाड़ रहा है। और ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जामों में आए हुए हैं, और वही क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं करे हैं हमने जो आने वाले एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 2 5 10 50 500 5000। अब ये कैसे आया, तो देखो अब 2 से 5 कैसे बने, 5 से 10 कैसे बने, 10 से 50 कैसे बने, और 50 से 500, और 500 से 5000। तो देखो हमें दिखाई दे रहा है क्या, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 पंजे देखो 2 पंजे 10, और 10 पंजे 50, और 50 ढाई 500, 500 और हम देखो यहाँ से देखते हैं इन दोनों की आपस में गुणा करके ये आ गया, यानी 2 पंजे 10, 5 दूनी मतलब 5 ढाई 50, यानी ये समझ लो मतलब इस वाले की इस पीछे वाले से गुणा करके तब अगला वाला आया, यानी इसकी इससे गुणा की और अगला पद, इस पद की इस पद से गुणा की और अगला पद, तो कौन सा 5 ढाई 50, और 50 ढाई 500, और 500 और 25 की गुणा करेंगे तो कितने 5 पंजे 25 और 3 0, तो कितने आएंगे 25,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा गलत,
5000। तो इसकी अगर इन दोनों की आपस में अगर गुणा करेंगे, इन दोनों की 50 और 500 की, तो 5 पंजे 25 और 3 जीरो, तो कितने आएंगे 5000 की जगह 25000। अब ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 30, 126, 110, 78, 10। इस सीरीज में कौन सा पद गलत है या विषम है? तो 130 से 126 कैसे आए, 126 से कितने 110 कैसे आए, 110 से 78। तो देखो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है 4 माइनस है, यहाँ कितने 16 माइनस है, यहाँ कितने, यहाँ हमारे हैं 10 और 22 कितने 32 माइनस हैं, यहाँ कितने, अब उस हिसाब से देख लेंगे तो यही गड़बड़। देखो ये 2 का वर्ग माइनस, ये 4 का वर्ग माइनस, तो आगे तो कौन सा होगा 4 का घन, 6 का वर्ग माइनस, तो 2 का वर्ग 4 माइनस, 4 का वर्ग 16 माइनस, तो 6 का वर्ग 36 माइनस, तो 110 में से 36 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे हमारे 74। तो 78 की जगह पे कितने आएंगे 78 की जगह पे, यानी 110 में से 32 यानी 36 माइनस करेंगे तो आएंगे हमारे 74। तो 74, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा 78 गलत है, 78 ए ऑप्शन में है। तो हमारा कौन सा गलत, 78 ए ऑप्शन। अब चलते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है हमारा 4, 12, 30, 68, 146, 302, 622। ये सीरीज चले, यानी 4 से 12 कैसे आए, 12 से 30, 30 से 68, 68 से 146, 146 से 302 और 302 से 622। देखो 4 × 8 + 4, ठीक है, 4 × 8 + 4 = 12, 12 × 24 और 6 = 30, 30 × 60 + 8 = 68, सही है, 68 × 136, 136 में प्लस 10 करेंगे तो 146, 146 दूनी कितने होंगे, यानी 292। अब 292, 146 दूनी 292, 146 दूनी होंगे हमारे 292, और 292 में कितने 12 प्लस करेंगे, तो 12 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे, 12 प्लस करेंगे 192 में तो हमारे आएंगे 304, और 304 की जगह हैं कितने, यहाँ 302, तो ये 304 आएंगे। अब 304 दूनी होंगे 608, 608 में 14 प्लस करेंगे तो 622, तो हमारा ऑप्शन नंबर 302 डी सही है। अब ऐसे ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 3, 5, 13, 43, 176, 891, 53। तो देखो 3 से 5 कैसे हुए, तो 3 × 1 = 3 और 2 = 5, यानी 3 की गुणा 1 से, 3 × 1 = 3 और 2 = 5, 5 × 10 = 13, 13 × 26, 5 × 5 = 5, 5 × 10 = 5, 13 × 39 + 4 और 43 × 4 + 5, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16 और 1 = 17 और कितने 12, तो 5 प्लस करेंगे तो हमारे 176 गलत होंगे, तो इसकी जगह कितने आएंगे, यानी 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, तो 172 और 172 में 5 प्लस करेंगे तो 177 आएंगे, 177। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, 176, 176 की जगह कितने आएंगे 176 की जगह 177,
अब ऐसे ही चलते, अब देखो आगे भी यही क्रम जा रही है, तो ज़्यादा आगे तक चेक नहीं करेंगे, जब एग्ज़ाम में करेंगे तो अभी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 7, 18, 40, 106, 183 और 282 और कितने 403। तो देखो 7 × 14 = 4, 18 × 36 = 4, 40 × 2 नहीं बात बनेगी। तो देखो यहाँ से देखते हैं इसमें कितने का अंतर, 11 का, इसमें कितने का, 22 का, ठीक है। अब इसमें कितने का, 22 का अंतर। अब इसमें कितने का करेंगे, अब देखो यहाँ भी देखेंगे हम कितने का अंतर है, इसमें है हमारे 99 का, इसमें कितने का है, 18 × 3 = 21, 121। तो देखो इधर पीछे से वापसी होंगे, 11 × 11 = 121 और 11 × 11 = 121, 11 × 11 सही है, और जी हैं 11 × 9 सही है। तो 11 × 11 = 11 × 9 और 11 × 7 11 × 7 = 77, तो इसमें से 77 माइनस होंगे और इसमें से 11 × 5 = 55, 11 × 5 देखो 11 × 9 = 7 = 5, 11 × 5 = 55। तो 40 में 55 माइनस करेंगे या इसमें 55 प्लस कर दें, तो इसमें 55 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे हमारे, 40 और 55 = 95। तो हमारी 106 गलत है, तो हमारी सीरीज कौन सी, 106 गलत। अब ऐसे ही चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 142, 119, 100, 83, 65, 59, 52। इस श्रृंखला में कौन सा पद अलग है, विषम है। तो 142 से 119, 119 से 100। तो देखो यहाँ 19 माइनस, यहाँ कितने 23 माइनस, यहाँ कितने 17 माइनस, यहाँ कितने 17, 65, 15 × 3 = 18 माइनस। अब देखो अब देखते हैं ध्यान से, 23 − 19 − 17 - तो कितने माइनस, 23, 19, 17 यानी विषम संख्या है माइनस। तो सबसे पहली विषम, विषम नहीं विषम, माइनस कितने 19 − 23 − 19 − 17 − 17 के बाद हमारी होगी साहब 15 - 15 विषम नहीं है, विषम नहीं है ये हैं अभाज्य संख्याएं। 23 − 19 − 19 के बाद 17 − 17 के बाद कौन सी 13 माइनस। अब 13 माइनस करेंगे तो कितने 13 माइनस करेंगे तो हमारे आएंगे यहाँ 70, यानी 65 की जगह कितने 70। अब 70 में से कितने अभी अभाज्य संख्या 11 माइनस, 11 से अगली 7 माइनस। अब देखो बस बन गई, 59 में से 7 जाएंगे तो 52। अब देखो क्या हो गए, 42 − 19 − 23 − 19 − 17 − 11 − तो 13 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 70, तो कौन सी 65 गलत है, 65 की जगह कितने आने चाहिए 70। ऐसे ही देखेंगे अगली 7, 4, 5, 9, 20, 51 और 160.5। अब यहीं से देखते हैं 7 से 4 कैसे आए। तो देखो ध्यान रखेंगे 7 के गुणे करेंगे आधे से प्लस आधा, 7 की आधी 3.5, 3.5 में आधा जोड़ेंगे 4.5। अब देखो गुणा 1 करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 4 × 1 = 4 और 1 = 5, गुणा 1.5 करेंगे यानी 1 सही 1/2, यानी 3/2 कर दें, 1/2 और 3/2, 1.5 से गुणा सही है, 3/2 करेंगे तो 5 × 3 = 15/2, तो 7.5
पाँच तिया पंद्रह, पंद्रह बटे दो का मतलब साढ़े सात, तो डेढ़ साढ़े सात। अब देखो साढ़े सात और डेढ़ ही जोड़ना है तीन बटे दो, तो साढ़े सात और डेढ़ नौ। अब नौ के गुणे दो करेंगे और दो ही जोड़ने हैं, नौ दूनी अठारह और दो बीस। अब बीस गुणे ढाई, ढाई का मतलब पाँच बटे दो प्लस पाँच बटे दो। अब ढाई पाँच बटे दो तो पचास हो जाएंगे, पचास में पाँच बटे दो जोड़ेंगे तो इक्यावन की जगह कितने आएंगे, साढ़े बावन। ठीक है, अब साढ़े इक्यावन की जगह कितने आएंगे, फिर जब भाग देंगे तो बावन पॉइंट पाँच। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा तीन पाँच तेरह अड़तीस सतासी एक सौ अड़सठ। देखो देखते हैं, अब पीछे से देखना स्टार्ट करें, इधर से इसमें कितने माइनस, यानी एक सौ अड़सठ में से सतासी घटाएंगे तो कितने बचे, अठारह में सात गए ग्यारह, एक आठ में सात गए एक और पाँच, पंद्रह में से आठ गए सात, पंद्रह में से आठ गए सात, एक सौ अड़सठ एक सोलह, सोलह में से आठ गए आठ, यानी इक्यासी। इक्यासी का मतलब नौ का वर्ग। अब इसमें देखते हैं, सतासी में से अड़तीस गए, सत्रह में से आठ गए नौ, सत्रह में से आठ गए नौ और सात में से चार तीन गए चार उनचास, तो ये नौ का सात का वर्ग। अब ऐसे ही यहाँ देख लेंगे, नौ का वर्ग उनचास, सात का वर्ग पाँच का वर्ग, पाँच का वर्ग पच्चीस। अब पच्चीस माइनस करेंगे अड़तीस में से, अड़तीस में से पच्चीस माइनस करेंगे तो कितने तेईस, तो हमारे तेरह की जगह कितने आने चाहिए तेईस। अब ये जब तेईस है तो ये तीन का वर्ग, तीन का वर्ग कितना, तो तेरह तीन का वर्ग यहाँ आने चाहिए तेईस, तेरह की जगह पे तेईस और पाँच में तीन तिया अड़तीस में से पच्चीस गए, सॉरी अड़तीस में बस से पच्चीस गए तेरह, सही है, तो तेरह आएंगे और तेरह में से कितने गए नौ, नौ का वर्ग घटाएंगे नौ तो पाँच, अब पाँच में एक का वर्ग घटाएंगे तो कितने आने चाहिए, एक का वर्ग घटाएंगे हम तो इसमें से एक का वर्ग घटाएंगे तो कितने चार, तो पहले ही सीरीज गलत है, तीन की जगह कितने आएंगे चार, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत, यानी एक घटाएंगे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है हमारा जेड एक्स वाई वी डब्ल्यू एस पी टी पी जे, तो इसमें कौन सा अलग है विषम है, तो देखो यहाँ से देखते हैं जेड एक्स, यहाँ से देखें एक यानी जेड एक्स वाई जेड तो दो माइनस डब्ल्यू एक्स वाई कितने दो माइनस डब्लू एक्स वाई, डब्लू एक्स वाई दो माइनस दो माइनस कितने, देखो यहाँ से ध्यान से देखना, दो माइनस एक प्लस, दो एक प्लस देखते हैं क्वेश्चन। जेड एक्स यानी जेड में से दो घटाएंगे तो कितने एक्स, एक्स में एक जोड़ेंगे तो एक्स वाई, सही है, एक्स वाई एक्स वाई जेड दो माइनस, इसमें जेड से एक्स पे आएंगे तो दो माइनस, एक्स से वाई पे जाएंगे तो एक प्लस, अब इसमें वाई से वी पे आएंगे तो तीन माइनस, इससे इस पे जाएंगे तो एक प्लस, इससे इस पे जाएंगे, अब देखो दो माइनस तीन माइनस तो कितने चार माइनस, अब चार तेईस डब्लू चार घटाएंगे तो उन्नीस एस नंबर। अब देखो अब इस पे इस पे इससे जाएंगे तो देखो ध्यान रखेंगे ये प्लस वाला
ऊपर कर लेते हैं और माइनस वाले नीचे, तो प्लस, यानी एक्स से वाई प्लस, तीन दो माइनस, तीन माइनस, चार माइनस, तो देखो एक प्लस करेंगे, तो एक प्लस कराएंगे तो पी की जगह क्या एस टी आएगा, ठीक है। अब टी में तीन माइनस करेंगे, पाँच माइनस, और टी कितना होता है बीस नंबर, तो पाँच माइनस करेंगे तो कितने आएंगे पंद्रह, दो तीन चार पाँच, तो कितने टी में पाँच माइनस तो पंद्रह, पंद्रह नंबर पे आएगा हमारा, पाँच माइनस पंद्रह नंबर ओ, तो कितना आएगा टी ओ, तो हमारा जेड है, पी टी की जगह क्या आएगा टी ओ, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो ए एक नंबर, चार नंबर, छः नंबर, सात नंबर, दस नंबर, तेरह नंबर, सोलह नंबर, अठारह नंबर, उन्नीस नंबर, ठीक है। तो देखो अब ऐसे ही इसमें देखते हैं, तीन प्लस, 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 अब देखो सोलह में तीन प्लस करेंगे तो उन्नीस, उन्नीस नंबर एस आएगा, सही है, उन्नीस नंबर एस, और पी तीन प्लस, तीन प्लस, तीन प्लस, तीन प्लस, एस यानी तीन प्लस, तीन प्लस, तीन प्लस, तीन प्लस, तीन प्लस, तीन प्लस, उन्नीस, और तीन प्लस उन्नीस आएगा, उन्नीस में तीन प्लस करेंगे बाईस, बाईस नंबर वी आएगा, तो क्या आर और एस, आर एस की जगह क्या आएगा, आर एस की जगह आएगा हमारा एस और ओ वी, तो ऑप्शन नंबर सी बी सही है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।